बलिया के मनियर ब्लॉक के धसका गांव में दो दिवसीय शिव हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शंकराचार्य परिषद एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष और काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भी पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया और जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो इंसानों की बातों का जवाब दे सकता है, लेकिन जो साक्षात जानवर हो। साथ ही कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जानवर से ज्यादा नहीं समझते हैं। और कुछ उन्होंने क्या कहा इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। जानवर हो, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को जानवर से ज्यादा नहीं समझता। अब तक उनकी बेटी उसी जय श्री राम वाले में है, उन्होंने उसको बदला नहीं। तो यह जो ढोंग है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये ठीक इसी पालतू कुत्ते की तरह है, जहाँ वो रहता है उसके प्रति वफादार। आज उनको लगता है कि मुसलमानों का वोट लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सनातन धर्म को गाली दो, भगवान को गाली दो, मंदिर को गाली दो, लेकिन इससे कुछ भला नहीं हो रहा है। उनको औकात पता चल जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हिंदू जनता बढ़ चढ़ के सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ इसलिए वोट करेगी कि स्वामी प्रसाद जैसा कुत्ता वहाँ पर।